so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. कि ये जैसे ही choose but path वाला button click होगा तो इसमें हमें जो लोकल सिस्टम पे जहाँ पे भी फाइल स्टोर करना है वो पाथ हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो जो पाथ हमने सेलेक्ट किया है वो इस एंट्री में सेट हो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से होने वाला है अपना फर्स्ट स्टेप। तो हम जो फाइल डीलॉग करके जो मॉड्यूल है इसको ही यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ यूज पाथ करके एक फंक्शन बना देता हूँ। ऑलराइट, एंड क्लोज करते हैं, और यही सेम फंक्शन को मैं कमेंट को यूज करते हुए इस बटन पे पास कर देता हूँ, चूज पाथ वाले कमेंट। ऑलराइट, तो एक लोकल वेरिएबल बना देता हूँ dir करके, जिसके अंदर हम यूज करेंगे फाइल डीलॉग डॉट ask for directory, then title हम सेट करेंगे choose path, और ये है अपना string। इसके बाद अपना जो link set वाला text variable है इसके अंदर हम इस file path को set भी कर देंगे, जैसे कि link set dot set, इसके अंदर dir को set कर। इतना करने से हम जैसे ही choose path वाला button click करेंगे तो अपने को इस तरीके से एक pop-up मिलेगा जहाँ पे भी हम save करना चाहते हैं, जैसे कि videos पे मैं save करना चाहता हूँ, select folder कर दूंगा और अपना file, साथ ही साथ comments भी थोड़ा बहुत add कर लेता हूँ। ऑलराइट, इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम जैसे ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो अपना पूरा जो भी लिंक है इधर, जो भी लिंक हमें मिला है यूजर के थ्रू, उस लिंक का जो भी वीडियो है उसको हम डाउनलोड करेंगे जैसे ही ये डाउनलोड बटन क्लिक हुआ। तो सेम थिंग हम करने वाले, सेम अप्रोच लेने वाले हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ डाउनलोड करके, अभी क्लोज करते हैं, और यही सेम चीज़ को हम कमेंट के थ्रू इस बटन पे पास करेंगे, ओ कमेंट डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम दो लोकल वेरिएबल बना देते हैं, एक होगा URL और दूसरा होगा अपना पाथ करके। तो लोकल वेरिएबल बना लिया, फर्स्ट में हम जो लिंक है, जो यूजर ने लिंक है उसको लोकली हम स्टोर करेंगे URL पे, और अपना जो पाथ मिला है जहाँ पे हमें सेव करना है उस इसके लिए भी मैंने एक वेरिएबल सेट कर लिया है। तो URL को पहले गेट कर लेते हैं, सो लिंक गेट डॉट गेट करेंगे, और पाथ को भी हम लिंक सेट करके वेरिएबल टेक्स्ट वेरिएबल का नाम दिया था लिंक सेट डॉट गेट, इसको भी क्लोज करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस भी हैंडल करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि अपना जो पाथ है वो खाली तो नहीं है, लाइक जहाँ पे हमें स्टोर करना है वो पाथ चूज्ड है कि नहीं है वो भी देखना है। तो इफ नॉट URL और नॉट पाथ, अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो हम सेट कराएंगे प्रिंट एंड पाथ। ये एक्चुअली टर्मिनल के अंदर देखने के लिए मैंने प्रिंट यूज किया है, इसके बाद हम इसके अंदर भी यही सेम चीज को डिस्प्ले कराएंगे मैसेज के अंदर, मैसेज डॉट एट, यही सेम चीज को हम इसके अंदर भी सेट करवाएंगे। सो इस एक चीज की वजह से क्या होगा कि अगर ये दोनों एम्प्टी है, लाइक पाथ या URL नहीं है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है या फिर कोई एक भी नहीं है, तो क्या होगा कि ये मैसेज प्रिंट होगा, टर्मिनल पे भी अपना प्रिंट होगा, और साथ ही साथ अपना मैसेज बॉक्स है जो हमने ऊपर सेट किया था वो वेरिएबल पे ये सेम मैसेज प्रिंट होगा, और इसको रिटर्न भी कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, लाइक URL भी है अपने पास और पाथ भी है, सो हम क्या करेंगे, जो URL मिला है उसको हम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करके मैं एक लोकल वेरिएबल बना लेता हूँ। तो इस फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए ytdlb करके एक मॉड्यूल आता है पाइथन का, इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लेना, pip install ytdlb करके टर्मिनल पे आपको चला लेना है। ytdlb का डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हो। सो अभी मैं सिंपली थोड़ा बहुत ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। सो फॉर्मेट करके हम यूज करने वाले हैं जो फॉर्मेट पे हमें सेव करना हो, तो मैं फॉर्मेट यूज करूंगा बेस्ट। ऑलराइट, इसके बाद अपना जो आउटपुट है उसको भी सेव करेंगे OUTTMBL, और इसके अंदर हम OS मॉड्यूल यूज़ करेंगे क्योंकि हमें जहाँ पे भी फाइल सेव करना हो वहाँ पे os.s.path.join यूज़ करेंगे, और join के अंदर हम ये वाले पाथ को सेट कर देंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो भी वीडियो का नाम है वो हम कुछ इस तरीके से देंगे, पर्सन टाइटल करके देंगे, जो भी अपना टाइटल होगा वीडियो का टाइटल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है बट अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देन ext और s, अगर मैं इन डेप्थ समझाने लग जाऊंगा तो टाइम ही हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको बोला था इस प्रोजेक्ट में मैं एक्सेप्शंस को भी ठीक से हैंडल करने का ट्राई करूंगा, तो ट्राई और एक्सेप्ट एक्सेप्शन ESE। ऑलराइट, सो इस ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर ही हम डाउनलोडिंग करने वाले हैं अपना जो भी वीडियो का है उसका। तो ytdlb मॉड्यूल मैं यूज करने वाला हूँ, तो वेट ytdlb.youtube करके ही एक है youtube dl करके, और अपना जो डाउनलोड है इसको पास करेंगे इसके अंदर एस वाई डी एल, देन अपना जो वाई डी एल है उसको हम डाउनलोड कर देंगे, और अपना यू आर एल देंगे ये वाला, ऑल गेट। और अगर ये डाउनलोड हो जाता है तो हम
कर देंगे प्रिंट डाउनलोड कंप्लीट कंप्लीट, और मैसेज बॉक्स में भी तो सेट कर देंगे मैसेज डॉट सेट को भी, ये सेम मैसेज हम प्रिंट करवाएंगे। ऑलराइट, ये मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि कभी कभी किसी को डीबग करना हो तो इजी रहेगा भाई का कौन से स्टेप पे है, तो टर्मिनल पे ही हमें पता चल जाएगा डाउनलोड कंप्लीट है कि नहीं। एक्सेप्शन पे मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही चीज़ हो सकता है, या तो अपना मॉड्यूल ठीक से काम ना कर रहा हो, जो भी YTDLB का जो भी प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसको हम टेक्निकली सॉल्व तो कर सकते हैं, बट हाँ एट द मोमेंट तो नहीं हो पाएगा, उतना हम है नहीं। और द सेकेंड वन इज़ अगर अपने पास इंटरनेट सही ना हो या फिर जो लिंक है उस पर कोई प्रॉब्लम हो तो भी ये डाउनलोड नहीं होगा। तो दो एक्सेप्शन हैं अपने पास, मैं सबसे पहले प्रिंट कर देता हूँ। सो ये सारे एक्सेप्शन अपने साथ हो सकता है। सो इन जनरल मैं दो एक्सेप्शन ले रहा हूँ, एक तो अपना है कोई अननोन प्रॉब्लम आता है तो हम एक ईमेल आईडी दे दूंगा, और द सेकेंड वन इज़ कि इंटरनेट चेक कर सकते हैं, यूजर से ही इंटरनेट चेक करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं एक टर्मिनल के लिए एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, और इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग एक्सक्लेमेशन, और इस एक्सेप्शन को हम पास कर देंगे ई। ये खत्म होगा, और यूजर को भी हम वही सेम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे msg.set समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज चेक योर इंटरनेट, या फिर हो सकता है कि अननोन प्रॉब्लम हो सकता है तो स्लैश एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये अपने यूजर को ये वाला मैसेज प्रिंट होगा जैसे कि समथिंग वेंट रॉन्ग और प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन report@minionsknowledge@gmail.com। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेसिकली इस ईमेल आईडी पे वो रिपोर्ट कर सकते हैं, सिंपल एंड स्वीट रखना चाहता हूँ मैं। ऑलराइट, सो इतना करने से अपना जो एप्लीकेशन है वो यूज करने के लिए रेडी हो चुका है, बस आइकन को सेट करना बाकी है। तो रन करते हैं, मैंने वैसे भी रन किया हुआ है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं सेकेंड बार कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें चाहिए अपना लिंक, जो भी लिंक हमें डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मैं चूज बात कर देता हूँ, मैं वीडियोज पे डाउनलोड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट उसके अंदर कैप्चर्स के अंदर डाउनलोड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट फोल्डर, एंड अपना जो लिंक है वो हम यूट्यूब से लिख के आएंगे। मेरा ही एक वीडियो को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, ये 3 मिनट वाला वीडियो है, इसको डाउनलोड करता हूँ, कॉपी पेस्ट देन डाउनलोड। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो YTDLP करके एक मॉड्यूल है वो चल रहा है। ऐसे हम इधर प्रोग्रेस बार भी बना सकते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो डाउनलोड कम्प्लीट, और अगर आपको देखना हो डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी फाइल आपने दिया था जैसे कि मैंने वीडियोस के अंदर कैप्चर के अंदर दिया हुआ था। What is escort services in dark web? देखो in simple and so अपना जो वीडियो है वो डाउनलोड हो चुका है, एंड दैट्स इट। अभी एक आइकन को भी सेट करते हैं और इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, तो इधर सेट करते हैं, तो window.icon bitmap, और फाइल को पहले डाउनलोड कर लेते हैं, कोई डाउनलोड इमेज सेट करेंगे flaticon.com। ये वाला आइकन सही लग रहा है, डाउनलोडिंग है वो भी खत्म हो चुका है। और सो ये जो PNG फाइल है उसको ICO फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, PNG टू ICO फाइल फ्रॉम डिवाइस डाउनलोड्स। क्या है भाई, चूज फाइल डिवाइस डाउनलोड कन्वर्ट। ठीक है, अपना ICO फाइल भी बन चुका है, इसको हम इस फोल्डर पर डाल देते हैं और इधर सेट कर देते हैं। इतना करने से अपना जो आइकन है वो भी सेट हो जाना चाहिए। ऑल गुड, अपना जो ICO है वो भी सेट हो चुका है, तो दैट्स इट। और अगर आपको इसका exe फाइल चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर टू चेक इट आउट। और अगर पहले जो व्हाट्सएप बॉम्बिंग वाला आपको उसका भी exe चाहिए वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, सो फाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। सो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय। नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी इस तरीके के वीडियोस बनाए हुए हैं, और अगर डार्क वेब सीरीज के प्लेलिस्ट आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया एक्सेस कर लो, बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ है, या फिर लिनक्स सीरीज भी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, टिल देन बाय।